झांसी के समथर थाना क्षेत्र के मुकरियाना मोहल्ले के पास जंगल में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर मोठ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर सभी को झांसी के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां 3 की हालत गंभीर बताई गई। मौके पर पहुंचे SSP सुधा सिंह और जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अवैध फैक्ट्री मालिक बन्ने खाने बताया है, जिसके पास पटाखे बेचने का लाइसेंस था, जो अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम कर रहा था, जहां फैक्ट्री में लगभग 15 से 20 लोग काम कर रहे थे और धमाके में 8 लोग घायल हो गए, वहीं कुछ लोग हल्के फुल्के चोटिल हुए हैं। इसके साथ ही अवैध फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री की भनक को प्रशासन को न होने के सवाल पर DM ने जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। रोहिणी रोगन बना रहे थे, वो भी बत्ती काट रहे थे, फिर पता नहीं कैसे हमारा नाम अभी है वाले बालू से जल गए। किसकी बालू बना रहे थे? बनने का। आज संपर्क में लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास एक पटाखों में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई, जिसे मौके पर पुलिस और DM पहुंचे और वहां पे जंगल में एक अवैध रूप से एक स्थान पे नगर पालिका की भूमि है, जो कि जंगल खलियान और उसके आसपास की भूमि है, वहां पे अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। फैक्ट्री एज सच नहीं थी, क्योंकि कोई इनक्लोज कंपाउंड नहीं था, खुले में किया जा रहा था ये काम, और उसमें लगभग 8 लोग घायल हुए हैं इस घटना में। लगभग हमारे 3 पेशेंट्स की हालत थोड़ी सी गंभीर है और 5 अभी स्टेबल है। 3 को हम लोगों ने 8 पेशेंट्स हमारे मेडिकल कॉलेज में आए हैं, उनको उपचार दिया जा रहा है। जहाँ तक लाइसेंस की बात है, तो लाइसेंस 2 तरीके के होते हैं, LE1 और LE5। यहाँ पे बन्ने खां पुत्र रहीम खां, उसको LE5 का लाइसेंस था। LE5 का लाइसेंस जो होता है वो विक्रय करने का लाइसेंस होता है, बनाने का लाइसेंस नहीं होता, बनाने का लाइसेंस LE1 होता है। उसको 2020 में वो लाइसेंस दिया गया था, जो कि नवीनीकृत 25 तक के लिए है, और वो उस स्थल पे कोई विक्रय का काम नहीं हो रहा था। जहाँ पे ये घटना हुई है वो एक जंगल में अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धारा जो एक्सप्लोजिव एक्ट में है उसमें कार्रवाई की। आज थाना समथर क्षेत्र में लगभग 3 बजे के आसपास कस्बे के बाहर जंगल में पटाखा बनाते समय 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के पश्चात मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और ये जानकारी आई कि इसका निर्माण बन्ने खां द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा था, जबकि उसको केवल बेचने का लाइसेंस मिला हुआ था। उसको स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।